तो क्लास 10 का वेटेज 30% है, क्लास 12 में 40%, और इन सब का वेटेज जो आएगा उसके हिसाब से फर्दर रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट काम शुरू जो हो रहा है और जो इस नीति के तहत होगा उस पर काम करें। 12th का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई हमने डेट बोर्ड ने डेट डिक्लेयर करी है और वो डेट जो निश्चित है उसी में ही डिक्लेयर होगा। उम्मीद है कि हमारा 31 जुलाई तक हम दे देंगे। 12वीं कक्षा के एग्जाम हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंट हैं और इनका क्या महत्व है हमारे करियर पर, ये हम सभी जानते हैं। तो 12वीं कक्षा के एग्जाम पिछले काफी दिनों से लंबी चर्चा में थे और चर्चा का विषय बने हुए थे। अब इनको लेकर सरकार ने कुछ नियम जारी किए हैं और एक फॉर्मूला जारी किया है जिसे लेकर बच्चों में काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ CBSE देहरादून के जो हैं क्षेत्रीय अधिकारी जी हैं जिनका नाम है रणवीर सिंह जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि CBSE के द्वारा जारी किया गया नया फॉर्मूला क्या है। CBSE चूँकि पिछले 1.5-2 साल से हम पेंडेमिक से जूझ रहे हैं और CBSE बच्चों के हितों की रक्षा में सर्वोच्च ध्यान देता है और पूरे भारतवर्ष में ही नहीं हमारे विदेशों में भी विद्यालय हैं। पहले क्लास 10th का जो एग्ज़ाम निरस्त किया गया सरकार के द्वारा, CBSE ने उसको किया, तो उसी तरह से उसको पूरे जहाँ पर पूरे भारत में जितने राज्यों में एग्ज़ाम हो चुके थे उनको छोड़ के बाकी सब ने भी निरस्त किया और जो CBSE का फॉर्मूला आया क्लास 10th का भी वो भी सर्व विदित है और सब लोगों ने उसको स्वीकार किया। इसी तरह से फिर क्लास 12th के लिए काफ़ी सारी जद्दोजहद चलती रही और क्या किया जाए, कैसे बच्चों का एग्ज़ाम हो, किस तरह से पूरी तैयारियां होने के बाद लास्ट में फिर निरस्त करना पड़ा। उसमें बहुत बेहतरीन चीज़ एक है कि क्लास 10th को भी लिया गया है और क्लास 11th को लिया गया है और क्लास 12th को भी लिया गया है। क्योंकि क्लास 10th तक कोई स्ट्रीम सिस्टम नहीं है कि जैसे सब्जेक्ट रहता है, तो क्लास 10th का वेटेज 30% है। क्लास 11th में जो है, चूँकि विद्यालय में बच्चा जो है अपने हिसाब से तैयारियों के थोड़ा सा सरलता भी रहती है और थोड़ा ज़्यादा उस तरह से नहीं परफॉर्म भी कर पाता तो उसको प्रमोशन के लिए सारी व्यवस्थाएं रहती है, तो उसका 30% है। क्लास 12th में 40% है और इन सब का वेटेज जो आएगा उसके हिसाब से फर्दर रिजल्ट CBSE जारी करेगा और उस पर हमारा मोरलेस सारा काम जो क्लास 10th तो मोरलेस कंप्लीशन पे ही है और 12th भी जो है काफ़ी कुछ काम हो रहा है। जो बच्चे दूसरे बोर्ड से हमारे सिस्टम में आए थे उनका कंफर्मेशन के लिए आज 24 तारीख तक लास्ट डेट थी और विद्यालय को कहा गया था कि उनका स्टेटस एक बार वेरीफाई करें और उसको अपलोड करें पोर्टल पे, और वो पोर्टल पे जो जहाँ पे लिंक दिया गया था उस पर वो कंफर्मेशन का काम आज 5 बजे तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर 12वीं के रिजल्ट पे काम शुरू जो हो रहा है और जो इस नीति के तहत होगा उस पे काम करेंगे। तो सर क्या जैसे कि कुछ बच्चे जो जिनके अच्छे मार्क्स ना आए हो या फिर जो पहले फेल हुए हो या किसी को अगर एग्जाम री एग्जाम के लिए अप्लाई करना हो उन बच्चों का क्या? क्लास 12th के लिए और 10th के लिए जो प्राइवेट कैटेगरी के बच्चे, चूँकि CBSE सिस्टम में जो फेलियर बच्चे होते हैं उनको प्राइवेट भी अपीयर होने के लिए मौका रहता है और वो रेगुलर भी पढ़ सकते हैं, परंतु प्राइवेट कैटेगरी के जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कह दिया गया और नोटिफिकेशन में जारी कर दिया गया, हमारी वेबसाइट भी अवेलेबल है, कि वो बच्चे जो है सारे लिखित एग्जाम में जैसे ही सरकमस्टांसेस ठीक हो, नॉर्मल हो सिचुएशन, उसमें वो लिखित परीक्षा के थ्रू अपीयर होंगे। चूँकि प्राइवेट के लिए हमारे पास किसी विद्यालय में तो पढ़ने जाता नहीं है, तो हमारे पास कोई असेसमेंट के लिए उनका जो परफॉर्मेंस का असेसमेंट का जो क्राइटेरिया उसको बनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए उनको रिटर्न एग्जाम ही पेन एंड पेपर एग्जाम में ही अपीयर होना पड़ेगा। तो वो अभी बहुत जल्दी ही उसके लिए काम कर रहे हैं और उस पर काम हो रहा है और सुप्रीम माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी जो ये पॉलिसी है इसको पूरी तरह से अप्रूव किया है और पूरी तरह से प्रशंसा की है और इसी तरह से पूरे विद्यालय हमारे इसको लागू कर रहे हैं। उसके बावजूद भी जिन बच्चों को किसी भी तरह से कुछ थोड़ा सा भी असंतोष रहेगा कि सर मुझे तो ये मेरे 80% मार्क्स आए, मुझे तो 95 आने चाहिए थे परसेंटेज या 90+ आना चाहिए था, उनके लिए खुली छूट है। जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा उसके बाद वो एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, उनसे ऑप्शन लिए जाएंगे विद्यालयों के माध्यम से और वो उस कैटेगरी के तहत जो है वो एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद उनके वो उस हिसाब से फिर फर्दर रिजल्ट रिवाइज हो जाएगा। तो सर बच्चों का जो रिजल्ट आने वाला है, जो नतीजे आने वाले हैं, वो कब तक आने वाले हैं, कब तक इंतजार? हमारा क्लास 12th का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई हमने डेट बोर्ड ने डेट डिक्लेयर करी है और वो डेट जो निश्चित है उसी में ही डिक्लेयर होगा। उम्मीद है कि हमारा 31 जुलाई तक हम दे देंगे।
और सर जैसे कि ये फॉर्मूला तो बन ही चुका है, तो ये फॉर्मूला लगाकर क्या जो छात्र हैं वो खुद से ही अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं, विद्यालयों के पास है जी। और विद्यालयों के पास चूंकि एग्जाम का सारी व्यवस्था है, एग्जाम का सारा, जो बच्चों ने क्लास टेंथ का जो बच्चे को पता है उसका 30% तो चलो वो जान भी जाएगा, परंतु वो भी विद्यालय के माध्यम से ही पोर्टल पे जो व्यवस्था दी गई है उसके हिसाब से अपलोड होगा, और 11th का भी इसी तरह से और 12th का भी। तो विद्यालयों के पास जो क्लास 11th और 12th की जो परफॉर्मेंस है विद्यालयों के पास है, तो वो उसके हिसाब से वो अपलोड करेंगे, तब वो फिर आएगा। सर जय भारत टीवी को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी जय भारत टीवी को आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि आप बच्चों के लिए बहुत जागरूकता से काम करते हैं, और बच्चों के लिए इस देहरादून रीजन की तरफ से भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हर समय बच्चों के लिए कुछ ना कुछ नई चीज़ लेके मेरे पास भी आते हैं और समाज के बीच में भी रखते हैं। हम लोगों की तरफ से भी यही प्रयास है कि हम बच्चों की सुरक्षा, बच्चों की संरक्षा और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में बेहतर काम करें, अच्छा काम करें। CBSE एक राष्ट्रीय बोर्ड की भूमिका में है इस टाइम जी, और पूरे देश भर में ही नहीं, हमारे जो बाहर के विद्यालय हैं उसमें भी सब में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन CBSE का है। उसके लिए जो आप लोगों का सहयोग भी मिलता है उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार भी, धन्यवाद भी, और अच्छा करेंगे, उम्मीद करते हैं कि अच्छा होगा और ये पेंडेमिक से भी छुटकारा मिलेगा और हमारे बच्चे और हमारा भविष्य जो है और बेहतर होगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस आपके आपने जितनी भी बातें समझाई, जिस तरीके से ये फॉर्मूला समझाया, ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरल बन चुका है, और 31 जुलाई तक का जो इंतज़ार है वो आप लोगों को करना होगा रिजल्ट के लिए। इसी तरीके की मुद्दों पर चर्चा करने के लिए और इसी तरीके की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।